नमस्कार, मैं आपका सेवक मिहिर कोटेचा। आज 8 मई रात 10 बजे तक मुंबई में 2678 नए केसेस आए हैं। हमारे मुरुण में पूर्व और पश्चिम मिलाकर के 103 नए केसेस आए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, आज सुबह से मुंबई के सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अब डायरेक्ट सेकेंड डोज के लिए वॉक इन बंद कर दिया गया है। अर्थात अब नागरिकों को सुबह सेंटर्स पे जाकर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा आरोग्य सेतु ऐप या कोविन ऐप से। दूसरे डोज के लिए भी अब अपॉइंटमेंट लेना होगा। आज बहुत सारे नागरिकों को असुविधा हुई, मैं निवेदन करता हूं कि कल से किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से आप लाइन में खड़े न रहें, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य है। मैंने हमारे महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त स्वास्थ्य को आज एक पत्र लिखा है और यह मांग की है कि बहुत सारे ज्येष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिनका सेकेंड डोज ऑलरेडी ड्यू है, 60-60 दिन हो गए हैं, अभी भी उनको वैक्सीन मिला नहीं है। इसलिए ज्येष्ठ नागरिकों के लिए आप एक अलग सेंटर खोलिए। इतना ही नहीं, वहां पर आप 50% ऑफलाइन जो सीधे वहां पे आते हैं उनको भी वहां पर रजिस्ट्रेशन करके इंजेक्शन दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे ज्येष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है और अगर है तो उनको वह अपॉइंटमेंट लेने नहीं आती। आपको यह भी बता दूं कि ऐसे नागरिक जिनको अपॉइंटमेंट लेना है ऑनलाइन, वह मेरे ऑफिस पर आ सकते हैं। शाम को 7 बजे रोज अगले दिन का स्लॉट खुलता है, इसलिए सभी ने शाम को 7 बजे अपना अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 मिनट में अगले दिन का अपॉइंटमेंट फुल हो जाता है। कल विजय सोसाइटी हॉल में रक्तदान शिविर है। भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 104 एवं कच्छ युवक संघ द्वारा किया गया है। आप सभी से निवेदन है, रक्तदान करने के लिए वहां पर आप जरूर जाइए। रक्तदान यह श्रेष्ठ दान है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।